नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से महिलाओं का निप्पल का कलर डार्क हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या ये ठीक होगा या फिर नहीं होगा, और ऐसा भी कहा जाता है कि निप्पल डार्क होने से लड़का होता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ना बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारे बदलाव होते हैं और बहुत तेज़ी से होते हैं, तो महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं कि ये नॉर्मल है या फिर ये नॉर्मल नहीं है, कहीं इससे मुझे खतरा तो नहीं है या फिर मेरे बच्चे को खतरा तो नहीं है। तो देखो, प्रेगनेंसी के दौरान जो अधिकतर बदलाव होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इनमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उन बदलाव में से एक बदलाव है निप्पल का डार्क होना, तो निप्पल का डार्क होना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको घबराना नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी में केवल निप्पल ही डार्क नहीं होता, बहुत समय लगा गर्दन, चेहरा, माथा, अंडर आर्म्स, इसके अलावा प्राइवेट पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा कालापन आ जाता है। कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि आपने देखा होगा पेट पे एक लाइन बन जाती है, जैसे कि हम लाइन या निगरा बोलते हैं, पेट पे काली रेखा बन जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में आपका शरीर कई जगह से काला हो जाता है, कालापन आ जाता है, तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान ना बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और हार्मोन्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी होता रहता है। प्रेगनेंसी के दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स की वजह से ही आपके शरीर में ज़्यादातर बदलाव होते हैं, और जब आपके शरीर में ये हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाता है तो आपके शरीर में एक तत्व होता है मेलेलिन, उसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेलेलिन की वजह से ही आपके निप्पल का कलर डार्क हो जाता है। मेलेलिन की वजह से निप्पल के साथ साथ बाकी जितनी भी जगह आपका कालापन आया है उसी की वजह से ही आता है। तो प्रेगनेंसी में मेलेलिन बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेलेलिन बनेगा तभी आपके बच्चे के हेयर का कलर ब्लैक होगा, आईब्रो का कलर ब्लैक होगा। और आपने देखा होगा जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा ठंड रहता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में मेलेनिन की मात्रा कम होती है। जो प्रदेश काफ़ी गर्म होता है उनके शरीर में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा कालापन रहता है, और जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ पर कालापन कम रहता है, स्किन भी गोरी रहती है और बच्चा भी उनका गोरा पैदा होता है, उनके हेयर भी इतने ज़्यादा काले नहीं होते हैं और उनके आई का कलर भी आपको ब्लैक नहीं दिखेगा, तो मेलेनिन की मात्रा उनके शरीर में कम होती है। ठीक है, तो मेलेनिन की वजह से ही आपके निप्पल का कलर डार्क होता है। देखो, ये जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ये क्या करते हैं, आपके ब्रेस्ट को ना दूध के लिए तैयार करते हैं। प्रेगनेंसी में ही आपके दूध की नलिका बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से कि आपके ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ने लग जाता है, और इन हार्मोन्स की एक्टिविटी की वजह से ही मेलेनिन की मात्रा बढ़ती है, जिस वजह से कि आपका निप्पल काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, जो कि नॉर्मली डिलीवरी के बाद धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाता है और एक साल के अंदर ही लगभग ठीक हो जाता है। लेकिन एक साल के अंदर भी ठीक नहीं हुआ है, कालापन है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बाकी देखिए, अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो भी हो सकता है कि आपका जो निप्पल है वो अपने पहले वाले कलर में आने में थोड़ा सा टाइम लगाए, लेकिन अगर आप बच्चे दूध नहीं पिलाती हैं तो बहुत जल्दी आपका कलर पहले की तरह हो जाता है, लेकिन दूध पिलाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप ऐसा मत करना कि केवल कालापन के लिए अपने बच्चे को दूध मत पिलाना, क्योंकि आपका जो दूध होता है आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चे को दूध पिलाइए और उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपको निप्पल में डार्कनेस के साथ साथ कुछ और दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, नहीं तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा उपाय कर लूँ जिससे कि मेरा निप्पल डार्क ना रहे, मेरी स्किन पर डार्कनेस खत्म हो जाए, तो इसका कोई उपाय नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये अपने आप ही ठीक होगा। लेकिन अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा जाती हैं तो धूप में कम जाइए, क्योंकि धूप में जाने की वजह से डार्कनेस और ज़्यादा आ सकती है। अगर आपका काम धूप वाला है तो डॉक्टर से पूछ के कोई अच्छा सा सनस्क्रीन ले लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि ज़्यादा डार्कनेस ना आए। बाकी देखिए, सुबह सुबह का धूप लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह का जो धूप होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी होता है, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मॉर्निंग का धूप लेना ज़रूरी है। लेकिन दोपहर में जो धूप आती है वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं उनमें, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, स्किन को जला देती हैं और आपके निप्पल को काफ़ी ज़्यादा डार्क भी कर सकती हैं, पूरे बॉडी को डार्क कर सकती हैं, तो उससे बच के रहिए। बाकी देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है निप्पल का कलर डार्क होने से लड़का होता है, और डार्क नहीं है, कम डार्क है, या फिर जैसे था वैसे है तो लड़की
की होती है, तो इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है जिस पे मैं आपको कहूँ कि हाँ ये बात 100% सच है। लोग अनुमान लगाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि डार्क होने से लड़का होता है तो आप इस बात को मान सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि डार्क होने से लड़का ही होता है। जिनका निप्पल डार्क है उनको लड़की भी होती है, जिनका निप्पल डार्क नहीं हुआ है उनको लड़का भी होता है, और ऐसा मैं बहुत सा महिला को जानती हूँ। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसी बातों के चक्कर में ना पड़े, जैसा भी कलर है रहने दीजिए, बस अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दीजिए, बच्चे पे ध्यान दीजिए, तो सब कुछ अपने आप ही अच्छे से हो जाएगा। और लड़का हो या फिर लड़की, दोनों ही आपके बच्चे होते हैं, तो दोनों से ही प्यार कीजिए, एक के चक्कर में मत रहिए, बाकी ऊपर वाला जो आपको देगा आपको वही होगा, तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।